आज मैं आपके साथ मेथी के गट्टू की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारी रेसिपीज बना सकते हैं और इन्हें आप कई दिनों तक फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। आप शायद इसके साथ पुलाव, पराठा या फिर करी बना सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ध्यान से देखें, ट्राई करें और यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस मज़ेदार सी यूज़फुल रेसिपी को। तो गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी लेनी है। मेथी को अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है, फिर इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कप मेथी ली है बारीक कटी हुई। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा डालेंगे लहसुन क्रश किया हुआ और साथ ही डालेंगे हम यहाँ पर अदरक का पेस्ट और साथ में फिर हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हल्दी 1/2 टीस्पून जितनी और डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर थोड़े से अजवाइन के दाने और डालेंगे हम तिल, यहाँ पर करीबन 1 टेबलस्पून जितना तिल हमें लेना है और फिर हम इसमें डाल देंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल किसी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का नहीं लेना है हमको और फिर यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितनी हमें छाछ या फिर दही ले लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बिल्कुल 2 पिंच जितना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर डालेंगे हम इसके अंदर बेसन, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और डो को बनाएंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा और बेसन डालेंगे और ये डो हमारा तैयार हो गया है। कुछ इस तरह का एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे तो जो गट्टे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर मैंने करीबन 1 कप के आसपास बेसन को यूज़ किया है। अब हम बनाएंगे गट्टे। आप चाहें तो इस डो को 10 मिनट का रेस्ट भी दे सकते हैं। हाथों में ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा डो लेके इस तरह से गट्टे बना लेंगे। शेप आप अपनी पसंद का दे सकते हैं, चाहे राउंड दे सकते हैं या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सारे गट्टे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर गट्टों को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनको काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करना है। आप चाहे तो अगर इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है आपको। यहाँ पर ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर गट्टे डाल देंगे। गैस की आंच लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि बेसन है बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो गट्टे फिर बाहर से जलने स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो गैस की आंच का आपको ध्यान रखना है। इसको हम पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये जो गट्टे हमने बनाए हैं इनको आप चाहे तो फ्रीज करके डीप फ्रीज़र में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गट्टे तैयार हो गए हैं। ये गट्टे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको पहले ठंडा होने दें, फिर किसी जिपलॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर डीप फ्रीज कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने के लिए। जब भी आपको कुछ बनाना हो आधे घंटे पहले इनको बाहर निकालें और फिर रेसिपी में यूज़ करें। पराठे बनाने के लिए आप इनको अच्छे से क्रम्बल कर लें, हाथों से ईजिली हो जाएंगे और फिर पराठों में स्टफिंग करके इसके आप पराठे बना सकते हैं। बेसन गट्टे की करी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया है और थोड़े से लहसुन लिए हैं और थोड़ा करी पत्ता लिया है। प्याज और लहसुन है इनको बिल्कुल हमें बारीक चॉप कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहे तो इनको मिक्सी में पीस भी सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितना मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और डाल देंगे करी पत्ता। इसमें डालेंगे जो प्याज और लहसुन हमने चॉप किया है वो गैस की आंच मीडियम पे रखेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें प्याज को अच्छे से पका लेना है। प्याज काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं, 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसमें अब डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून जितना डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च मसाला आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून जितना और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना धनिया। सारे मसालों को बिल्कुल धीमी आंच पर 10 सेकेंड के लिए भून लेंगे और मसाला जब अच्छे से भून जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दही। दही डालने से करी का जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा और करी को थिकनेस भी मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है दही डालते वक्त गैस बिल्कुल धीमी रखनी है। इसको अब हम ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें से ऑयल रिलीज होना चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं जो मसाला हमारा है अच्छे से भुन गया, उसमें से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। यहाँ मैं डाल रही हूँ करीबन 1 कप जितना पानी। गैस की आंच यहाँ पर हम तेज़ कर देंगे और इसके अंदर अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर गट्टे ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना है पानी जब अच्छे से उबल जाए तभी हमें गट्टे डालने हैं।
अब गैस की आंच मीडियम पे रख देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पका लेंगे। 4 से 5 मिनट बाद हमारे मेथी के गट्टों की करी तैयार हो गई है। इसे आप रोटी, चावल, पूरी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। आप चाकू से इस तरह से थोड़ा सा कट करके देखें, गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक बढ़िया और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।